सभी को गेंद्र है और सभी को झारखंडवासी और सभी को जुआ जैन धर्म में सभी को आदिवासी चंद्र झारखंडवासी सभी को जुआ। नमस्कार, मैं उमेश। व्योम टीवी के लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड की धरती पर आप सभी का स्वागत है। झारखंड के कण कण में ईश्वर का वास है। झारखंड के कण कण में उस रमणीय स्थल का वास है जहां पर हर व्यक्ति यह सोचता है हमें एकता का प्रतीक मानकर इस राज्य की भलाई के लिए और राज्यवासी के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करना है। मैं उमेश, अभी सबसे पहले आपको एक बात बताने के लिए मैं छोटी सी कोशिश करूंगा कि आपने सुना होगा पारसनाथ पार्श्वनाथ। आदिवासी और जैन समुदाय के बीच विवाद है या विवाद बनाया गया या इसको राजनीतिक मुद्दा देने की कोशिश की गई किसी धरातल पर, मुझे ये पता नहीं। इससे पहले मैं इस एपिसोड का प्रसारण करूं, मैं एक डिस्क्लेमर के माध्यम से बात रख देना चाहता हूं। इस एपिसोड में दिखाए जाने वाले सारे तथ्य एक निजी राय के तौर पर हैं। मेरा या मेरे चैनल का इससे किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। मेरा कतई यह नहीं होगा कि मैं किसी धर्म से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति या किसी भी संप्रदाय या समुदाय को इससे ठेस पहुँचे। धन्यवाद। चलिए हम बात करेंगे जो अभी विवाद उठा है। आज हमारे बीच में है, इतना तो जरूर आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग जैन समुदाय से जुड़े हुए आज एक मंदिर में हैं और इनकी भी आस्था बनी रहे और आदिवासियों की भी आस्था वहाँ बनी रहे। हम दोनों के बीच का रास्ता अपनाकर इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ हैं अनिल जैन जी। पहले तो हम लोग उनका स्वागत करें। नमस्कार, कैसे हैं भैया? बढ़िया भैया। धर्म बड़ा या भोजन? धर्म बड़ा या भोजन? भोजन बड़ा। भोजन बड़ा। ऐसे स्थिति में अभी आपने एक वाक्य सुना होगा झारखंड के अंतर्गत कि पार्श्वनाथ, पारसनाथ के नाम से भी लोग इसको जान रहे हैं, क्या आपके संज्ञान में है कि वहाँ किस तरह का स्थिति है? हाँ, डिस्प्यूट हो रहा है। सरकार ने यहाँ पर्यटन क्षेत्र घोषित किया, उसके बाद से ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ है। आप क्या मानते हैं कि धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र रहना चाहिए? अच्छा, केवल ये धर्म क्षेत्र आपका है या उनका भी? दोनों का। ये एकदम मान रहे हैं दोनों का, उनकी भी अपनी आस्था है, अभी हमारा भी अपनी आस्था। अभी अचानक भी ये विवाद कहाँ से हुआ, कहाँ से आग लगी कि ये इतना बड़ा 10 दिन के अंदर ही विवाद, जो दो समुदाय आपस में कल दिन बैठते थे, उठते थे, बातचीत करते थे, अचानक क्या हो गया? ये तो एक्चुअली सरकार ने जब पर्यटन क्षेत्र घोषित किया इसको, इसके बाद हम लोग को ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ है। हम लोग की मांग थी कि तीर्थ क्षेत्र होना चाहिए, जिस तरह से बनारस में है, अयोध्या में सब तीर्थ क्षेत्र है, उस तरह से यहाँ पर हम लोग चाह रहे थे। अगर पर्यटन क्षेत्र होने से यहाँ पर विकास तो होगा, सरकार विकास करेगी। भैया मुझे लगता है ऑप्शन तो बहुत बड़ा खुलेगा अगर किसी पर्यटन स्थल की हम बात करें तो। अच्छाई के साथ बुराई भी तो आ रही है, वो भी है। मन में कौन सा डर है जिसको लेकर लग रहा है कि जैन समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, जैन धर्म जो है जी और जिनों पर डिपेंड करते हैं। हम लोग किसी को मारना नहीं है, किसी को चींटी को भलू जान के भी नहीं मारते कि हमारे धर्म में विरोध है, कि जान के चींटी भी नहीं मर जाए, उसको भी बचा के हम लोग चलते हैं। और हम लोग मान लें किसी का कोई का भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को मार काट नहीं होना चाहिए। मार काट हम स्पष्ट मतलब नहीं समझ पा रहे। नहीं नहीं, बलि प्रथा, बलि प्रथा। भैया थोड़ा सा हम इंटरसेप्ट करेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले डिस्क्लेमर के माध्यम से यह बात रख दिया है, दिस इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द माई साइड। इफ यू रिलेटेड टू द एनी कम्युनल स्टेटमेंट, आई डोंट नो व्हाट इज योर कम्युनिटी, बट दिस इज एन ऑनरेबल इनक्रेडिबल स्टेटमेंट व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। आई एम नॉट गोइंग टू इंटरप्ट एनीवन, आई एम नॉट गोइंग टू इंट्रैक्ट एनीवन, दिस इज माई कमिटेबल स्टेटमेंट दैट आई एम गोइंग टू इंटरेक्ट विद यू। आई एम अ जर्नलिस्ट एंड दिस इज माई प्राइम रिपोर्ट टू गिव यू द इंट्रैक्शन एंड अनइंटरप्टेड रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ इंटायर कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड, वेदर यू आर आदिवासी और जैनीज। इसलिए मैंने इस बात को रख दिया है। श्रीमान आप कोई भी हैं, मैं करवट तरीके से आपको जय हिंद करता हूँ। लेकिन चूंकि प्रश्न बनेगा, अगर आप किसी का विरोध करेंगे तो प्रश्न बनेगा, भारतीय सभ्यता के सारे स्तंभ आपके साथ खड़े मिलेंगे। अनिल भैया गुस्सा तो नहीं होंगे? नहीं नहीं। चार बच्चे जब चढ़ रहे थे पहाड़ पर, बच्चे थे, चलो चप्पल खोल देते, जूता खोल देते, ये बात समझ में आता है, लेकिन चढ़ने नहीं देंगे ये कहाँ से बात आ रही? एक तरफ बात करते हैं हम इस मंदिर में जियो और जीनो देंगे, तो ऐसे में कहाँ से ये गलत है? ये जिसने भी किया है गलत किया। ये आपके समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने भी किया है तो आप उसका खंडन करते हैं? गलत किया वो, आप जानने वाले को आप समझा सकते हैं, नहीं किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, अब उनको समझा दीजिए। बाकी अगर वो नहीं जाते हैं तो कोई उपाय नहीं, जाएंगे जाएंगे। अनिल भैया मंदिर में सभी को जाने का अलाव था पहले? अलाव है सबका, आगे भी उम्मीद रखें एकदम? जरूर जरूर, क्योंकि बहुत सारे लोग आप किसी भी धर्म के हैं लेकिन जैन धर्म को बड़ा मानते हैं। सभी को अलाव है, किसी को प्रतिबंध नहीं है।
उस तभी एक गजट नोटिफिकेशन ने मारंगुड देवता के नाम से भी उनको सुशोभित किया गया। क्या आप मानते हैं उनके भी देवता वहाँ हैं? एकदम जरूर है, हर आदमी का अपना देवता है, उनको अपना अपने पद्धति से पूजा पद्धति करने का अधिकार है। केवल आप बलि प्रथा का डायरेक्ट विरोध? बलि प्रथा मेरा कहने का मतलब गलत बोल दिए, बलि प्रथा भी ठीक है, एक्चुअली नॉन वेज वगैरह जो वहाँ पर बिकेगा ना फिर बाद में विकास होगा तो साथ में देवताओं की बलि से आपको कोई परहेज नहीं है? जिनका जो नियम है जो लोग अपने मंदिर में करते हैं तो क्या उपाय, इसका तो उपाय नहीं है, समझा सकते हैं हम लोग। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दे, बाकी उन लोग को अपना धर्म से अपना तरीका से मनाए, हम लोग अपना तरीका से मनाए। कर्म क्षेत्र भी किसी का नहीं गड़बड़ाए? नहीं। अच्छा, आप एक व्यवसायी हैं जो मैंने आपको लंबे समय से देखा, व्यवसाय में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्या लगता है कि कोई किसी तीर्थस्थल पर जाने वाले जो दुकानदार हैं वहाँ दुकान में नहीं जाने देंगे, दुकान में सामान नहीं खरीदने देंगे, क्या मुझे लगता है यह एक अच्छा संकेत? नहीं, अच्छा बात नहीं है। ऐसा जानकारी भी नहीं है और ये अच्छा बात भी नहीं है। ऐसा हुआ है, ये गलत है। मेरे जानकारी में ऐसा कुछ नहीं किया। अब कुछ लोग देखिए, हर संप्रदाय में कुछ लोग गलत करते हैं, ऐसा कोई ऑफिशियली कोई अलाउमेंट नहीं हुआ है कि किसी को खाना नहीं है, किसी को दुकान में लेना नहीं है, कोई ऐसा अनाउंसमेंट कहीं नहीं है किसी को। आप बता रहे हैं आपके द्वारा, आपके जनरल से हमको जानकारी आ रहा है कि लोग मना कर रहे हैं, हम लोग किसी को नहीं मालूम ये बात। अच्छा, क्या भारत सरकार आपके पक्ष में है, हम ये माने क्या? नहीं, भारत सरकार तो सच के पक्ष में, जो सच है उसे सपोर्ट करेंगे, तो किसी के ऊपर नहीं, मेरे लिए वो दोनों के बराबर है सरकार के लिए। तो इतना बड़ा वहाँ पर ही लाखों के तादाद में आदिवासी पहुँच रहे हैं अनेक संप्रदाय समुदाय से, ऐसा क्या हो गया कि अपने पराये हो गए? ये तो हमको रहता है राजनीति, और क्या है, ये बात मन में आता है कि ये राजनीति है और क्या। दोनों का देखिए काम चलता था, हम लोग अगर पहाड़ पर चढ़ते तो हम लोग को वो ले जाते थे, हम लोग कुछ उसके लिए, उनका परिवार भी चलता था हम लोग के द्वारा, दोनों का मेड ऑफ ईच अदर, मेड फॉर ईच अदर स्टेटमेंट है। अभी क्या आप आवेदन मैंने निवेदन करेंगे वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, जिला प्रशासन से, या वहाँ के अपने समुदाय से आप क्या निवेदन करेंगे? हम तो चाहेंगे दोनों अपने तरीके अपनी पद्धति से पूजा पाठ करें, जिस तरह से पहले था उस तरह से होता रहे, और कुछ नहीं है। बस पहले भी लोग करते ही थे पूजा पाठ, कोई मना नहीं था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोग को भी दिक्कत नहीं थी, उनको भी दिक्कत नहीं थी। पार्श्वनाथ जी को लेकर एक और वहाँ स्टेटमेंट अभी बढ़ा है, क्या आपने जमीन रजिस्ट्री करवा ली है? क्या पार्श्वनाथ पहाड़ जैन समुदाय का है? क्या पार्श्वनाथ पहाड़ पर केवल वही रहेंगे? अगर वो रहेंगे तो ये सारी प्रक्रियाएं कब से हुई, और नहीं तो क्यों नहीं इसको मिल बैठ कर एक बीच का रास्ता बनाया जाए? देखिए, चुमाल ये पेपर में तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम चला था कि इसका कुछ पेपर वगैरह स्वतंबर जैन समाज के पास है, उन्होंने ही पहाड़ लिया है। पहाड़ नदी पठार कभी रजिस्ट्री होता है क्या? नहीं होता, लेकिन किसी राजा ने जो था पालगंज के जो राजा थे वो दिए थे, पालगंज जो स्टेट के अंतर्गत है, पालगंज राजा के टाइम का बात है ये। चलिए, एक बार अंतिम आपसे एक सवाल है, और मुझे लगता है कि आप भी आदिवासी समुदाय से, जो भी लोग इस वीडियो को इस चैनल को देख रहे हैं उनको जरूर पता चला होगा कि अगर चंद लोग के कारण अगर वहाँ पर स्थितियाँ बिगड़ी है तो उसे आपको समझने का जरूरत है। यहाँ अनिल जैन जी हैं और अच्छे पद पर हैं, अध्यक्ष हैं, और मुझे लगता है इनकी बात को भी आपको दरकिनार नहीं करते हुए समझना होगा, और अनिल जैन जैसे व्यक्ति के साथ आपको बैठकर, एक सामुदायिक स्थिति के साथ बैठकर जो आज विवाद उठा है उसे खत्म करने की जरूरत है। कैसे खत्म करेंगे अनिल भैया? एकदम सरल शब्द में आप कहें, और यह मैसेज आदिवासियों के लिए हो। आपके चैनल्स के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से पहले चलता था उसी तरह से चला जाए। बीच में कुछ वीडियो वगैरह आया था कि पर्यटक लोग आते हैं पहाड़ पर चढ़ते हैं, वाइन वगैरह पीते हैं, नॉन वेज खाते हैं, मतलब मेरे लिए पवित्र है, उनके लिए पवित्र है, हम किसी और का, मेरे लिए भावना है उनकी भावना, उनका भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, मेरी भावना को ठेस नहीं पहुंचे। आप आइए, पर्वत पर चढ़िए, घूमिए फिरिए, पूजा पाठ कीजिए, सब अच्छा है, लेकिन अब वहाँ पहाड़ पर चढ़ के वाइन पीना और बोतल फेंक देना, गंदगी करना, पर्यावरण को दूषित करना, इससे उचित नहीं है। बाकी बैठ के दोनों बात करें, कुछ हम झुकें कुछ वो झुके, दोनों बट हो जाएगा, ज़िंदगी भर चले कोई दिक्कत नहीं, हमको वहीं रहना उनको वहीं रहना, हमको भी रहना उनको भी रहना, मेरा काम उनके बिना नहीं चलेगा, उनका काम मेरे बिना नहीं चलेगा, दोनों एक दूसरे के प्रति, इसलिए ये उचित है। चलिए, धन्यवाद। मैं तो किसी समुदाय के
के ना तो पक्ष में बात रखा हूँ ना तो मैंने विपक्ष में बात रखा, मैंने हमेशा समस्याओं के समक्ष बात रखा है। हम यही कहेंगे जैन मंदिर के इस प्रांगण से, जिस तरीके से अनिल जैन जी ने अपनी बात रखी है कि आप भी थोड़ा सा आगे आएँ, हम भी थोड़ा सा आगे आएँ, दो कदम तुम भी चलो और दो कदम हम भी चले। कारवां तो इस तरीके से हजारों वर्ष से चलता आ रहा था, अब इसी कारवां में अगर किसी कारणवश विघ्न पड़ा है तो मुझे लगता है भारतीय सभ्यता का सबसे बेहतरीन तरीका होता है आपस में मिल बैठ कर बात करना। धन्यवाद, आपके सारे समुदाय के लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, आदिवासियों के सारे समुदाय के लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरी तो एक ही इच्छा है, झारखंड बस विकास करे।